आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर हम बात करें महिलाओं की सुरक्षा की, तो योगी सरकार के सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। मामला थाना नौचंदी क्षेत्र का है, जहां पर एक पीड़िता नौचंदी थाने पहुंची और बताया कि उसके जेठ देवर कहते हैं कि तुम्हारी वीडियो बना ली गई है, यह कहकर मुझे ब्लैकमेल करते हैं और छेड़छाड़ के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहे हैं। महिला की माने तो जेठ और देवर ने जमकर मारपीट की। इसके बाद पीड़िता महिला उनकी शिकायत लेकर थाना नौचंदी पहुंची और उचित कार्रवाई की मांग की। जेठ और देवर, जिनका नाम सनी और अमन बताया जा रहा है, महिला का आरोप है कि पहले भी थाने जाकर मैंने छेड़छाड़ की शिकायत की थी, लेकिन नौचंदी पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले को छोटी सी धारा में तब्दील कर दिया। महिला का आरोप है कि अगर पुलिस इस मामले पर तभी उचित कार्रवाई कर देती तो शायद आज ये घटना ना होती। अब देखना यह है कि पुलिस इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। मेरे जेठ ने और देवन ने, सनी और अमन, क्या क्यों मारपीट करी है? मेरे साथ आए दिन छेड़छाड़ करते हैं, गंदी गंदी हरकत करते हैं मेरे साथ। कई बार मैंने थाने में रिपोर्ट दी है। 151 पे सिर्फ उनका चालान कटा है। अच्छा। और 151 पे चालान कटने के बाद रात भी उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करी। बदतमीज में इनकी, मेरे हस्बैंड और इनकी हाथापाई हुई थी। मेरे हस्बैंड को ये ले गए थे थाने वाले और ये भग गए थे घर से। और अब मैं अपने हस्बैंड को थाने से छुटा के स्टाम घर लेके जा रही थी, घर में घुसते ही मेरे साथ मारपिटाई कर दी। मेरे पास उसकी आधी वीडियो भी है। क्यों मारपीट करते हैं ये लोग, क्या वजह है? मारपीट ये करते हैं, कोई रंजिश है क्या? रंजिश है, इन पे कोई मेरी वीडियो है या तो ये बताएंगे, जो भी वीडियो है उससे गंदी गंदी हरकतें करते हैं। साफ कहते हैं कि मतलब गंदी गंदी चीजें बोलते हैं, मतलब मेरे से छेड़छाड़ करते हैं और रिलेशन की बोलते हैं मेरे से। पहले भी इस मामले में आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? जी पहले भी कराई थी, 6 महीने पहले की भी है मेरे पास। अच्छा, तो क्या कार्रवाई हुई उसमें? कार्रवाई ये हुई थी, इनकी बहन ने और इनकी मम्मी ने मुझसे ये कहा था आज के बाद ये बदतमीजी नहीं करेगा, घर में आना जाना नहीं होगा और तेरे से कोई बदतमीजी नहीं करेगा, वापसी ले ले। और आए दिन पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की? पुलिस की ओर से सिर्फ 151 के अलावा कुछ नहीं करता, तो कार्रवाई वहीं की वहीं रुक जाती है फिर। अब आपका मेडिकल हुआ है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ सर। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? कह रहे हैं लिख के दो, अब देखते हैं।